खबर राजस्थान से जो ये बता रही है कि जब सिर पर खून सवार हो तो अच्छा बुरा कुछ भी ध्यान नहीं रहता। ये उदयपुर के गोगुंडा कस्बे की घटना है। यहाँ एक बुजुर्ग महिला 85 साल की महिला के साथ हैवानियत की तस्वीर सामने आई है। नशे में धुत 60 साल के एक आदमी प्रताप सिंह ने 85 साल की इस बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पिटाई की। पहले वो उससे बात करता दिखा और बाद में उसने उसे पीटना शुरू कर दिया, अपने छाते से लगातार पीटता ही रहा। वारदात के दौरान इस युवक को एक व्यक्ति ने रोकने की कोशिश भी की लेकिन वो नहीं माना और तब तक महिला की पिटाई की जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। दो नाबालिग बच्चों ने इस घटना का वीडियो बनाया, हालांकि किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। तो इस घटना में जो आरोपी हैं और आसपास जो 3 लोग थे उन सभी से पूछताछ जारी है, लेकिन इस घटना ने इलाके के लोगों को, सभी को जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको हिला कर रख दिया है कि ऐसा खून सिर पर कैसे सवार हो सकता है किसी के। उदयपुर से एक चौंकाने वाली घटना, एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर साफ दिख रहा है कि एक वृद्ध महिला जो कहीं जा रही है उस पर एक आदमी हमला करता है, छाते से उसको मारता है और उसके बाद में बताया गया कि उनकी मौत हो गई है। पुलिस ने 4 लोगों को इसमें हिरासत में लिया है। मेरे साथ है उदयपुर के SP भुवन भूषण जी। सर, ये बताइए कि क्या है पूरा मामला और क्या ये वीडियो वेरीफाइड है, ऑथेंटिक है? मैम, ये वीडियो वेरीफाइड है और जो व्यक्ति है प्रताप सिंह, ये शराब के नशे में भोजा धुत था और एक तरह से आ रहा था, दूसरी साइड से महिला आ रही थी। उसके जब उसने महिला को देखा तो उसके दिमाग में कैसे आया ये तो पूछताछ के बाद पता चलेगा कि वो किसी भगवान का अवतार है और वो उसको मार के जिंदा कर सकता है। तो उसने उसको मार तो दिया और आसपास 2-3 लोग और मौजूद थे, एक व्यक्ति था और 2 नाबालिग थे। उन्होंने जब ये घटना देखी तो वो उसके पास पहुँचे और एक ने वीडियो बनाना चालू कर दिया और वीडियो ये जो वायरल हुआ है वो वीडियो बनाया गया। इन चारों के चारों को लोगों को जो भी घटनास्थल में 4 लोग थे, सभी 4 लोगों को हमने डिटेन कर लिया, उनसे पूछताछ जारी है और अभी कार्रवाई के बाद प्रताप सिंह का जैसे पूरा क्लियर होता है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अन्य की भूमिका की जाँच चल रही है, अगर अन्य की भूमिका कोई एक्टिव पाई जाती है तो उन पर भी विधानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो पूछताछ में क्या बता रहा है और अगर वो किसी तरह से शराब के नशे में धुत था तो उसने वो लेडी को ही क्यों चूज किया एज टारगेट? कहीं ना कहीं एक मानसिकता है कि भाई वो वीक थी, ये तो उससे मैम पूछताछ के बाद ही पता चल जाएगा क्योंकि शराब नशे में वो काफ़ी धुत था तो उसका कैसे चुना, क्या चुना, ये तो पूरे अनुसंधान के बाद ही हम स्पष्ट कर पाएंगे। पर प्राइमरी फसाई उसके मन में कहाँ से ये बात आई वो तो वो पूछताछ के बाद ही पता पाएगा। इस एरिया में गोगुंदा और ये जो आदिवासी इलाका है इसमें एक तरह से कहीं कहीं महिलाओं को दायन बताकर एक उनको मारने की एक प्रथा रही है, उनकी ज़मीन हड़पने की या कुछ, तो कहीं आपको लगता है कि ये अंधविश्वास का, इस तरह के विश्वास का हिस्सा हो सकता है? मैम, इसमें तो पहली बात तो इसके अंदर उसके पुरानी जानकारी का अभी तक तो सामने नहीं आई कि पुरानी जानकारी थी और किसी प्रकार की जमीन का अन्य कोई इनसे विवाद था। ये तो एक रैंडम इंसिडेंट उसने कारित करी है। बाकी अगर पूछताछ के अंदर या अनुसंधान के अंदर और कुछ स्पष्ट होता है तो बताएंगे। बाकी इस तरह की जो है चीज़ें वो उसके दिमाग में अगर बचपन से सुनी हो या कहीं फिल्म में देखी हो या कहीं देखी हो उसके दिमाग में घूम सकती हैं। उसकी साइकोलॉजी के लिए तो हम नहीं बता सकेंगे कहाँ से उसके दिमाग में आई, पर हाँ ये है कि उसके दिमाग में ये बात आई थी इसीलिए उसने अपराध कारित किया। इसके पीछे अगर और कोई भी बात है तो अनुसंधान में स्पष्ट होगी। अभी प्राइमरी फसाई यही है कि उसको ये दिमाग में आया कि मैं उस लेडी को मार के जीवित कर सकता हूँ, उसने घटना कारित कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। बहुत ही चौंकाने वाली घटना उदयपुर से। हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया।